विधानसभा चुनाव और फिर पुलिस की भूमिका और पुलिस की ड्यूटी और पुलिस के द्वारा कार्रवाइयों को अंजाम देना और ज़िले के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना और ज़िले में स्वतंत्र और स्वच्छ रूप से चुनाव को संपादित करना एक बड़ी चुनौती होती है। हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो विधानसभा चुनाव की घोषणा और विधानसभा चुनाव से पहले जो व्यवस्थाओं को लेकर कुछ पुलिस के द्वारा किया जाना होता है उसकी तैयारियां कैसी थी, और इसी बीच हनुमानगढ़ के एसपी को चुनाव आयोग के निर्देश से आखिरकार क्यों हटाया गया, क्या कोई राजनीति थी या फिर माफियों पर नकेल कसने का यह उन्हें अंजाम भुगतना पड़ रहा है, इस पर करेंगे बात। बने रहें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, पहले बीकानेर रेंज के अंदर पिछले 3 महीनों में किस ज़िले में कितनी कितनी कार्रवाई हुई है इस पर नज़र दौड़ा लेते हैं। अगर हम गंगानगर ज़िले की बात करें तो 450 प्रकरण पिछले जुलाई से सितंबर 2023 तक दर्ज हुए, 577 लोग गिरफ्तार हुए। बीकानेर ज़िले की बात कर लें तो 469 वहाँ पर प्रकरण दर्ज होते हैं और 482 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। अनूपगढ़ की बात करें तो 151 प्रकरण दर्ज किए जाते हैं और 154 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। चलिए अब हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर 671 प्रकरण जुलाई से सितंबर 2023 तक दर्ज किए जाते हैं और 793 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के यह प्रकरण हैं और इस ग्राफिक को देखें, इन आंकड़ों को देखें तो हनुमानगढ़ ज़िला पूरे बीकानेर रेंज के अंदर प्रकरण दर्ज करने और गिरफ्तार करने में एक नंबर पर राजण प्रथम स्थान पर रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश थे कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और अपराधियों पर लगाम कसी जाए, माफियों पर लगाम कसी जाए और जो मादक पदार्थ और अफीम तस्करी, पेड़ों कटाई की तस्करी, विभिन्न प्रकार के जो मादक पदार्थ, लीकर पदार्थ और इस प्रकार की तस्करी करते हैं उनको पकड़ा जाए, लगाम लगाई जाए ताकि ज़िले के अंदर शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। हनुमानगढ़ ज़िला इसमें लगा हुआ था और एसपी हनुमानगढ़ सुधीर कुमार के निर्देशन में कार्रवाइयाँ धड़ाधड़ की जा रही थी। चाहे हम शराब पकड़ने की बात करें, चाहे हम अफीम तस्करी के लोगों की बात करें, चाहे हम करोड़ों रुपए चंदन की लकड़ी यानी 10 करोड़ चंदन की लकड़ी बादरा क्षेत्र से पकड़ी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात कर लें तो उसकी कीमत 30 करोड़ के लगभग बताई जाती है। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही थी और इसी बीच फिर चुनाव आयोग के द्वारा हनुमानगढ़ के एसपी को यहां से हटवा दिया जाता है और लोगों के मन के अंदर और ख़ासकर पुलिस अधिकारियों के बीच में यह चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि जब बीकानेर रेंज के अंदर हनुमानगढ़ ज़िला कार्रवाई करने में प्रथम स्थान पर था और जो मादक पदार्थों की बात करें उसके लिए लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही थी और इस प्रकार जो चंदन की लकड़ी पकड़ी गई वो पहला मामला इस बीकानेर रेंज के अंदर है और 30 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की कीमत बताई जाती है। फिर इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ जब एसपी हनुमानगढ़ कर रहे थे तो आखिरकार उन्हें फिर क्यों हटा दिया गया। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर यह भी चर्चा है कि बड़े माफियों पर एसपी के द्वारा हाथ डाला गया। बड़े माफिये जो चंदन की लकड़ी की बात कर लें, चाहे हम शराब तस्करी की बात कर लें या फिर मादक पदार्थों की बात कर लें, यह जो धंधा बड़े लंबे समय से प्रत्येक ज़िले के अंदर चल रहा है इसके पीछे सफेद पोश लोगों का हाथ होता है, बड़े लोगों का हाथ है। छोटे प्यादे तो पकड़े जाते हैं लेकिन जो बड़े प्यादे हैं वह कारोबार करते हैं और राजनीतिक संरक्षण उनको कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। बड़ी कार्रवाई जब की जाती है तो फिर राजनीतिक संरक्षण के चलते वह अपना
जो है प्रभाव दिखाते हुए वहाँ से अधिकारियों को हटवाने का काम भी कर देते हैं, ऐसा होता है। और लोगों के अंदर यह भी चर्चा है कि बड़े माफिया जो है प्रभावशाली हैं, और कोई अधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो उसको वह सबक सिखाने के लिए वहाँ से हटवा ही देते हैं ताकि उनका रास्ता साफ हो सके और वे धड़ल्ले से अपना जो कारोबार अवैध कारोबार कर रहे हैं वह चलता रहे। हालांकि बादरा के अंदर 80,000 लीटर अवैध जो डीजल पकड़ा गया है वह भी एसपी हनुमानगढ़ सुधीर कुमार के निर्देश पर ही पकड़ा गया था। डीएसटी और बादरा पुलिस ने मिलकर पकड़ा था, फिर जिला रसद अधिकारी को यह मामला पकड़ने के बाद वहां पर डीजल पेट्रोल की पहचान और उसकी जो कार्रवाई प्रशासन के स्तर से होनी है उसके बाद बुलाया गया था। 80,000 लीटर डीजल हनुमानगढ़ के अंदर पहली बार पुलिस ने पकड़ा है। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हनुमानगढ़ के अंदर होती रही हैं, लेकिन हनुमानगढ़ एसपी को हटा दिया गया, चुनाव आयोग के निर्देश से हटाया गया। और लोगों के अंदर जो चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि जब इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही थी तो आखिरकार फिर चुनाव आयोग को हटवाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या गोपनीय रिपोर्ट इस प्रकार की गई या फिर कोई शिकायत की गई या फिर माफियों ने अपना खेला कर दिया। यह चर्चा का विषय हनुमानगढ़ जिले के अंदर जरूर बना हुआ है। अब नए एसपी राजीव पचार को हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगा दिया गया है, देखते हैं उनका रुतबा कितना हनुमानगढ़ के अंदर काम करता है। और जो सुधीर कुमार एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा जो कार्रवाइयाँ यहाँ पर की गई थी, चालू की गई थी, जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी और नए एसपी उसके अनुसार कोई कार्रवाई करते हैं या फिर कोई नई रणनीति के तहत हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो अवैध रूप से कारोबार हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए क्या वे रणनीति अपनाते हैं, ये तमाम बातें देखने वाली जरूर होगी। लेकिन एसपी हनुमानगढ़ को हटाए जाने की चर्चा लोगों की जुबान पर और पुलिस के अधिकारियों की जुबान पर जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है। जो भी हो देखते हैं नए एसपी का हनुमानगढ़ में क्या रहता है रुतबा। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।